The Lallan Top Show is sponsored by Khata Book. Business hua easy. झंझट से मुक्ति खाता बुक से दोस्ती खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। पिछला बरस हमने बिताया इस उम्मीद में कि वैक्सीन आएगी और आफत जाएगी, और इस बरस खबर आती है वैक्सीन की किल्लत की। देश के ज्यादातर राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत को फ्लैग किया है, कहा कि उनके पास वैक्सीन नहीं। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन बनाने वाले भारत बायोटेक के पास राज्यों के ऑर्डर की भरमार है, लेकिन ऑर्डर की सप्लाई का फ्लो नहीं बन पा रहा। कुछ उदाहरण देखिए। पहला राज्य दिल्ली। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मरदेना ने 11 मई को मीडिया को जानकारी दी कि दिल्ली में 18 से 44 साल के एक वर्ग के लिए 2-3 दिनों की कोविशील्ड ही बची है, कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र ने 18 से 44 के वर्ग का आयु वर्ग का टीकाकरण बंद कर दिया है। जो वैक्सीन हमने इसके लिए प्रोक्योर की थी उसे 45 साल से ऊपर वाले ग्रुप के लिए रख दिया गया है, क्योंकि 45 साल के ऊपर के जिन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी उनके दूसरे डोज की बारी आ गई और इससे इतर वैक्सीन नहीं थी। तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने साफ किया अब वैक्सीन उन्हें ही लगाई जाएगी जिन्हें पहली डोज दी जा चुकी है, यानी 18 से 44 वालों को यहाँ वैक्सीन अभी कुछ दिन नहीं मिलेगी। तीन राज्य जिनकी हमने आपको उदाहरण दिए जिन्होंने वैक्सीन न लगा पाने का मुखर ऐलान कर दिया। जो भाजपा शासित राज्य हैं वो मुखर नहीं हैं, लेकिन आप वहाँ की बाबूशाही से बात करिए तो यही जवाब मिलता है। ज़्यादातर राज्यों ने वैक्सीन निर्माताओं को ऑर्डर के मुताबिक सप्लाई न कर पाने के आरोप भी लगाए हैं, लिहाजा आपूर्ति उस हिसाब से नहीं हो पा रही। तो देश के कुछ बड़े राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए केंद्र सरकार और देश में वैक्सीन का निर्माण कर रही कंपनियों का भरोसा भी छोड़ दिया। राज्यों ने खुद का ग्लोबल टेंडर निकाला। ग्लोबल टेंडर यानी राज्य दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदने का ठेका देंगे। किल्लत झेल रहे राज्य दरअसल वैक्सीन प्रोक्योर करने का एक चैनल विकसित करना चाह रहे हैं जिससे वो देसी वैक्सीन निर्माताओं पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। इन राज्यों में सबसे पहला नाम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इन दो राज्यों ने सबसे पहले ग्लोबल टेंडर निकाला। इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने भी वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का ऐलान किया। इस पूरी समस्या को समझने के लिए हमें पहले वैक्सीन के अंकगणित को समझना होगा, फिर ग्लोबल टेंडर पर आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 मई तक देश में वैक्सीन की 17 करोड़ से ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं, लेकिन 17 करोड़ डोज देने और 17 करोड़ लोगों का कंप्लीट वैक्सीनेशन होने में अंतर है। ये आंकड़ा ये भी बताता है कि देश में अब तक सिर्फ 3,86,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज भी दिया गया, यानी ये वो संख्या है जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया। जनवरी से चलते चलते मई आ गई, 5 महीने का समयांतराल बीत गया और हमने कंप्लीट वैक्सीन किया 4 करोड़ से भी कम लोगों को। अब एक और गणित समझिए। देश की आबादी मोटा माटी अगर 135 करोड़ मान लें और सिद्धांता हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए कुल 95 करोड़ लोगों को दोनों डोज की वैक्सीन, इस गणित को, इस मैथमेटिकल मॉडल को मान लें, तो इसके लिए हमें चाहिए लगभग 190 करोड़ डोज। और अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेशन चला जैसे अभी चल रहा है तो भारत को ये हर्ड इम्यूनिटी पाने में लगभग 3.5 साल का समय लग जाएगा। आप इंडिया टुडे के ग्राफिक्स यूनिट का ये वीडियो देखिए, इससे स्थिति और समझ में आएगी। इस जरूरत के हिसाब से आपूर्ति के समीकरण को भी समझना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट इस वक्त हर महीने 6 करोड़ कोविशील्ड के डोज और भारत बायोटेक हर महीने 1 करोड़ कोवैक्सीन के डोज बना रहा है। इन 7 करोड़ में से आधे ले गया केंद्र सरकार, बचे 3.5 करोड़ में से राज्य और प्राइवेट अस्पताल दोनों को प्रोक्योर करना है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट भी हैं जहां पर उन्हें विदेश में अपनी वैक्सीन भेजने का वादा पूरा करना है। कोविशील्ड को डेवलप करने वाली एस्ट्राजेनेका पर बीते दिनों यूके में वैक्सीन की निर्धारित मात्रा न देने के लिए केस भी हो चुका है। ऐसे में वैक्सीन की उपलब्धता और भी जटिल हो गई। साथ ही एक बात और है, दोनों ही वैक्सीन की राशनिंग भी ठीक से होनी है ताकि जिसे वैक्सीन की पहली डोज लगी है उसे उसी वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा सके, और वो भी सही समय पर। वैक्सीन का पूरा सिस्टम जिस असंतुलन से भरा है उसे देखते हुए साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि देश को हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए 3.5 साल का वक्त लगेगा, कम या ज्यादा। इस डिमांड और सप्लाई की सिस्टम में सिर्फ यही एक विसंगति नहीं है कि मांग के बराबर प्रोडक्शन नहीं। केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि अपना 50% का हिस्सा खरीदने के बाद वो राज्यों को मिलने वाले कोटे पर भी रेगुलेशन लगा रही है,
12 मई को छपी खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में कहा कि वैक्सीन के 2 करोड़ डोज में से सभी राज्य अपनी मई महीने की खरीदारी कर लें। इस कड़ी में भारत बायोटेक के प्रमुख कृष्णा एल्ला का एक पत्र भी देखा जाना चाहिए जो उन्होंने दिल्ली सरकार के कोवैक्सीन के ऑर्डर पर लिखा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस लेटर का जिक्र किया। इस कथित लेटर में कृष्णा एल्ला ने ऑर्डर को पूरा न कर पाने की असमर्थता जताते हुए कहा कि वो सरकार के निर्देशों के अनुसार ही वैक्सीन डिस्पैच कर रहे हैं, और यहाँ सरकार से तात्पर्य नरेंद्र मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से है। लेकिन बात यह भी नहीं कि वैक्सीन के उत्पादन का पूरा हिसाब किताब इतने तक ही सीमित रहे। कुछ महीनों पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों ने केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी थी। ये मदद वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मांगी गई थी। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3,000 करोड़ रुपये दिए थे और भारत बायोटेक को लगभग 1,500 करोड़ रुपये। ये अप्रैल 2021 की बात है। हम मई के मध्य में खड़े हैं और स्थिति आपके सामने है। तो अब इतना वक्त बीतने के बाद ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हम टैक्स पेयर्स के इन पैसों का क्या हुआ? क्या वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा? अगर नहीं तो वजह क्या है? कब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा? और राज्यों को वैक्सीन बेचने के लिए केंद्र सरकार और वैक्सीन निर्माताओं के बीच किस तरह के समझौते हुए हैं? हमने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को ये सवाल भेजे, लेकिन उनका जवाब अब तक नहीं आया। आएगा तो ललन टॉप पर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज ही बयान एक जारी किया, वो जान लीजिए। मई जून 2021 तक कंपनी का वैक्सीन प्रोडक्शन दुगना हो जाएगा, ये बात कही गई। जुलाई अगस्त तक 6 से 7 गुना और कंपनी सितंबर 2021 आते आते हर महीने 10 करोड़ डोज का उत्पादन करने लगेगी। खबर ये भी है कि यूपी के बुलंदशहर के गांव चोला स्थित बिबकॉल यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें भी जल्द ही कोवैक्सीन का निर्माण हो सकता है। भारत सरकार ने इसके लिए भी 30 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि इसके लिए काफ़ी समय से प्रयास चल रहा था। टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और दूसरी चीज़ों को शेयर कर जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू होगा। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की क्या स्थिति है? कब तक वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ सकेगा? इस बारे में कोई भी नई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये जानकारी ज़रूर सामने आई है कि मुनाफा कमाने के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट देश में अव्वल है। 40-41% से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं वो साल भर में, और लागत से कई गुना ज़्यादा पर उनके ये जो वैक्सीन हैं वो बिकते हैं। अब वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। इसमें विपक्षी दलों ने कहा कि उन्होंने कोविड मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे सुझाव दिए, पर केंद्र सरकार ने किसी पर अमल नहीं किया। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ मांगें भी रखी। उनके मुताबिक चाहे घरेलू स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ही करे। केंद्र सरकार तुरंत एक मुफ्त और विशाल देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करे। देश में वैक्सीन बनाई जा सके इसके लिए सरकार जरूरी लाइसेंस प्राप्त करे, और वैक्सीन के लिए जो 35,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था उसका इस्तेमाल भी किया जाए। विपक्षी दलों ने यह भी मांग की कि सेंट्रल विस्टा का काम रोक दिया जाए और उस पैसे को वैक्सीन और ऑक्सीजन में लगाया जाए। पीएम केयर्स नाम का जो प्राइवेट और अनअकाउंटेड फंड बना है उसका सारा पैसा वैक्सीन, ऑक्सीजन और दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदने में लगाया जाए। सभी बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएँ। ज़रूरतमंदों को भोजन दिया जाए। कृषि कानूनों को वापस लिया जाए ताकि अन्नदाता जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं वो इस देश के लोगों के लिए सतत काम करते रहें। तो आपने देखा, विपक्षी दलों ने अपनी पुरानी मांगें भी इसी में चेप दी। एक अपडेट आपको और दे दें। हमने आपको शो में बताया कि महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि 18 से 44 की आयु वर्ग को वैक्सीन अभी नहीं लगा पा रहे हैं। अब उसमें अपडेट ये आया है शो समाप्त करने के बाद कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज देने का वादा किया। तो उम्मीद जताई जा रही कि इसके बाद महाराष्ट्र में इस आयु वर्ग के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। इन सब के साथ कोविन का नाम लेना भी ज़रूरी है। ऐसा ऐप जिस पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ऐसा ऐप जिस पर नंबर डालने के बाद ओटीपी नहीं आता, आता है तो काम नहीं करता और फिर नया ओटीपी मंगवाना पड़ता है। सब कुछ जब हो भी जाता है तो स्लॉट हमेशा भरा दिखता है, और ये सब इतना जटिल कि वैक्सीन के लिए स्थान और समय को बुक करना रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग से भी ज़्यादा मशक्क़त भरा। ये बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और हमने सोचा कि आपको बताएं। और एक पहलू और है, जो गांव के लोग हैं जो इस डिजिटल इंडिया के नारे के लपेटे में नहीं आए, जिनकी ऐप तक और वेबसाइट तक पहुंच नहीं है, वो क्या करेंगे? वैक्सीन की बात हो गई, अब जीवन रक्षक उपकरण यानी वेंटिलेटर की बात करते हैं। वेंटिलेटर गंभीर रूप से बीमार मरीज को सांस लेने में और दूसरे तरह के सपोर्ट देने में मदद करता है। संक्रमित मरीजों के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी करता है। बीते साल कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2020 में ऐलान किया पीएम केयर्स फंड बनाने का।
प्रधानमंत्री ने लोगों से इस पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की। फिर सरकार ने मई 2020 में कहा कि कोरोना से लड़ाई में 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड के जरिए खर्च होंगे। सरकार ने बताया कि 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए 2,000 करोड़ रुपए इसमें से खर्च किए जाएंगे। ये सभी वेंटिलेटर मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा होंगे और कोरोना के इलाज में मदद के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाएंगे। अब 2021 में आते हैं। 2 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, उन्होंने राज्यसभा में बताया कि 1850 करोड़ की लागत वाले 38,867 वेंटिलेटर राज्यों को आवंटित किए गए। इसमें से 34,333 वेंटिलेटर इंस्टॉल हो चुके हैं। मंत्री जी ने यह भी बताया कि सबसे ज्यादा 4,960 वेंटिलेटर आंध्र प्रदेश को दिए गए, 4,434 वेंटिलेटर महाराष्ट्र को, 4,016 यूपी को और 3,400 वेंटिलेटर गुजरात को। लेकिन अश्विनी चौबे ने यह नहीं बताया कि ये वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत खरीदे गए या नहीं। केंद्र से अब राज्यों की ओर चलते हैं। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर आती है, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए मारामारी, और ऐसे समय में जब केंद्र सरकार की ओर से आए वेंटिलेटर से लोगों की जान बचनी थी, कई राज्यों से खबर आती है कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। उदाहरण देखिए, पंजाब के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट चलते हैं। यहाँ AGVA हेल्थ केयर कंपनी के 80 वेंटिलेटर पिछले साल पीएम केयर फंड के जरिए आए। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि 80 में से 71 वेंटिलेटर खराब हैं, 1-2 घंटे में बंद हो जाते हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह की खबरें मध्य प्रदेश से भी आई। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया हॉस्पिटल में पिछले हफ्ते वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया, एक मरीज की मौत हो गई। NDTV में छपी खबर के मुताबिक डॉक्टरों ने सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखकर कहा कि पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत खरीदे गए वेंटिलेटर कायदे से काम नहीं कर रहे। डॉक्टरों का कहना है कि मशीन जरूरत के मुताबिक प्रेशर जनरेट नहीं करती, कई बार अचानक बंद हो जाती है, ये मरीजों के लिए खतरनाक है। हालांकि राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन दोनों ने फिर इस पर सफाई दी और बोले मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं है। एक और राज्य छत्तीसगढ़, इसके स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी दावा किया कि केंद्र की ओर से मिले वेंटिलेटर्स में से 70 काम नहीं कर रहे। इनमें से 66 को पहले रिपेयरिंग के लिए भेजा गया, फिर इस्तेमाल शुरू हो पाया। ये तो हो गया उन अस्पतालों का हाल जहां से खबरें आई कि वेंटिलेटर्स में दिक्कत है। अब उन जगहों का भी हाल देखते हैं जहां पर वेंटिलेटर्स आ तो गए लेकिन अब तक ऐसे ही पड़े हैं, उन्हें खोला ही नहीं गया। यूपी का ये वीडियो देखिए। यहाँ पे वेंटिलेटर के लिए बनारस, लखनऊ, आजमगढ़ भागना पड़ रहा है, गोरखपुर भागना पड़ रहा है। अब वेंटिलेटर आपके पास है, अब वेंटिलेटर आप चला नहीं पा रहे, आखिर क्यों? टेक्निकल आदमी नहीं। हाँ, और हम लोगों ने निधि से भी दिया कि 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किया, उसमें आपने क्यों नहीं प्रपोजल बनाया? आप उसमें बनाते हो, ऑलरेडी आपके पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने फंड दे रखा है, 1-1 जिले को 2.5-3-3-4-4 करोड़ रुपए आया हुआ है। और डिमांड और बताइए, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। हम लोग सांसद विधायक, हम लोग पैसा 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं और फिर भी नहीं चालू होगा, कितने का खर्च है बताइए? या आखिर कितने का खर्च वेंटिलेटर चालू करना बताइए? वैसे मतलब टेक्निकल स्टाफ चाहिए उसके लिए। अरे टेक्निकल स्टाफ के लिए आप दोनों लोग सफिशियंट है सरकार का? अरे क्या आप रखिए, ये हम रखेंगे कि आप रखेंगे आउटसोर्स पे? आउटसोर्सिंग पे रखने का अधिकार आप ही लोगों को तो है, किसी ने रोका है क्या? ये वीडियो बलिया के जिला अस्पताल का है। वीडियो में यूपी के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी CMO और सिटी मजिस्ट्रेट से पूछ रहे हैं, अस्पताल में 11-11 वेंटिलेटर हैं तो चल क्यों नहीं रहे? जवाब मिलता है, वेंटिलेटर चलाने वाला स्टाफ नहीं। तो एक तरफ वेंटिलेटर बेड के इंतजार में लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं जहां वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। यूपी के कानपुर, फिरोजाबाद और इटावा के अस्पतालों में भी इसी तरह से वेंटिलेटर पड़े हुए मिले। बिहार में आए वेंटिलेटर्स की स्थिति यूपी से अलग नहीं, पिछले साल सैकड़ों की तादाद में वेंटिलेटर आए और जो अब तक ऐसे ही रखे हैं क्योंकि चलाने वाला कोई नहीं। और इसके लिए आप नरेंद्र मोदी सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं? आप उनकी क्वालिटी, कितने डिलीवर हुए, भेजे नहीं भेजे, इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएं। लेकिन जब ये अस्पतालों में पहुंच गए हैं और चला के नहीं देखे, पैकिंग तक नहीं खोली, तो इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है। तो सबकी जवाबदेही तय करिए। आप ये वीडियो देखिए तो स्थिति और साफ होगी।
ये बिहार के अररिया का सदर अस्पताल है। इंडिया टुडे की टीम यहां पहुंची तो पता चला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में 6 वेंटिलेटर पड़े हुए हैं। आईसीयू वार्ड पहुंचे तो ताला लटका मिला। ताला खुलवाकर देखा तो वहां 5 वेंटिलेटर बेड समेत धूल फांक रहे थे। एक वेंटिलेटर आईसीयू के अंदर बने शौचालय के बाहर पड़ा था। ये सभी 6 वेंटिलेटर 8 महीने पहले पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत आए थे। अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया गया कि वेंटिलेटर को चलाने के लिए जितने डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी की जरूरत है वो हमारे पास नहीं है। राजस्थान चलते हैं। यहाँ के धौलपुर से भी अस्पताल में धूल फांकते वेंटिलेटर्स की तस्वीरें आईं। यहाँ बाड़ी उपजिला अस्पताल में कुल 11 वेंटिलेटर हैं, काम एक भी नहीं करता, चलाने वाला स्टाफ नहीं है। तो ये सवाल फिर पूछा जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार और अशोक गहलोत से कि जब आपके राज्यों में वेंटिलेटर पहुँचे, इनकी ज़रूरत थी, तो इनके लिए मुकम्मल स्टाफ क्यों नहीं दिया गया। और ये सिर्फ 3 राज्यों का हाल नहीं है, देश के अधिकतर राज्यों की, वहाँ के हेल्थ स्ट्रक्चर की यही हालत है। वो मशीन जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे पाने के लिए बड़े शहरों में लोग घर तक बेचकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को तैयार हैं, वही जीवन रक्षक मशीन महीनों से सरकारी अस्पताल में धूल खा रही है, शोपीस बनी है और नेता एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी कमीज तेरी कमीज से तो कुछ उजली ही है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने महीनों में केंद्र और राज्य सरकारों को एक बार भी सुध क्यों नहीं आई कि इन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी। बिना स्किल्ड स्टाफ के वेंटिलेटर मंगवाने के लिए मंगवा लिए गए और वेंटिलेटर की क्वालिटी का क्या, इनके ऑडिट का क्या, किसकी जवाबदेही तय होगी? नरेंद्र मोदी सरकार ने जब ये वेंटिलेटर खरीदे तो इनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए किसको जिम्मा दिया और वो जिम्मेदारी कितनी पूरी हुई? और राज्य सरकारें बताएं इतने महीनों में वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई, नए स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं की गई? और ये चीज़ें जब सामने आती हैं तब कहा जाता है कि छवि बिगाड़ी जा रही है सरकारों की। जब आपदा सामने आती है, सब कुछ भयावह दिखता है, तब छवि की चिंता से ज़्यादा ज़रूरी है गलतियों की चिंता की जाए। और सरकारें क्या कहती हैं? कभी कभी कोई बयान या सफाई देती हैं, लेकिन ये बयान या सफाई स्क्रूटनी या आरोपों की शक्ल में आते हैं और बहुत दिनों तक अनुत्तरित ही रह जाते हैं इनके जो बाकी पहलू हैं। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार आपसे, जवाबदेही तय करिए। ये जवाबदेही आपके प्रधान, आपके पार्षद, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रधानमंत्री की है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही, लेकिन चलने से पहले आपको एक वीडियो और दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा पुराना है, करीब महीने भर पहले का। एमपी के राजगढ़ जिला चिकित्सालय में जिला कलेक्टर और एसपी निरीक्षण करने आए। निरीक्षण में पता चला अस्पताल में वेंटिलेटर तो है, लेकिन 6 महीने से स्टोर रूम में पड़ा धूल खा रहा है। पता चला कि इतने दिनों में वेंटिलेटर इंस्टॉल करने वाले नहीं आए। फिर दोनों अधिकारियों ने वहां मौजूद इंजीनियर्स की सहायता से इन 6 वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल कर दिया। तो आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास लोग हैं जिनमें इच्छा शक्ति है, लेकिन उन लोगों की पहचान, उन लोगों को अधिकार, और यदि कोई इन अधिकारों के बावजूद डिलीवर ना करे तो उनकी जवाबदेही, ये आपको तय करनी है माननीय। और आप माननीय से हम जनता के बिना पर सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि जवाबदेही तो ज़रूरी है जनतंत्र में।